बच्चों, आज आप सबों को बीबीडी गैस पेपर के दो चार वाले रैखिक समीकरण के 31 नंबर से हल करेंगे। आप सभी ध्यान से देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोगों को खुशी मिलती है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव मैथ में पूछता ही है, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। अगर आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का क्षमता आपकी बन जाए तो निश्चित रूप से आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए मैं लेता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण बीवीडी गैस पेपर के सवाल नंबर 31। कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने अगले वीडियो में भी बताया है कि तीन शर्त हैं इसके दो चर वाले के, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और बराबर c1/c2। दूसरा शर्त आपके पास याद रखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही ना। और तीसरा शर्त है मेरे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तीनों शर्त की कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर इस रूप में रह जाए तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। अगले वीडियो में बनाए हैं, आप देख लेंगे। और इस रूप में आ जाए तो कोई हल नहीं होगा। इस रूप में आएगा तो कोई हल नहीं, और इस रूप में रहेगा समझ लीजिए अनेक हल होंगे। यही तीन बातें याद रखनी हम सबों को। चलिए अगले वीडियो में, यहाँ पे कर रहा है हमारा a1x + b1y + c1, ये सूत्र है इसका। a2x मतलब a2 के जगह 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी न्यूमेरिकल रहेंगे। तो कहता है कि इसका ऑप्शन दिया है कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, अनेक हल, दो हल। हमने क्या कहा? इस रूप में रहे तो अद्वितीय, इस रूप में रहे तो अनेक, और इस रूप में रहे तो कोई हल नहीं। इस रूप में रहेगा तो कोई हल नहीं, और इस रूप में रहेगा तो अनेक हल। अभी हमारा किस रूप में है बाबू? इस रूप सेकेंड वाला है ना। तो यहाँ पर दिया a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब कोई आंसर नंबर ए इज राइट। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ये बीबीडी गैस पेपर में मॉडल क्वेश्चन है। ये सवाल जो है कि आपको 2018 का एनुअल में पूछा भी है, आप ध्यान देंगे। चलिए सवाल नंबर 32 लेते हैं। कहता है संपाती रेखाओं के लिए शर्त। संपाती रेखा के लिए क्या शर्त होता है? संपाती रेखा कैसा होता है? हमने अगले वीडियो में इसकी भी चर्चा की। इस तरह से एक ही रेखा पर दो रैखिक समीकरण का ग्राफ जब सेम समान हो जाए, एक ही रेखा सरल रेखा प्राप्त करे, तो उसको क्या ग्राफ क्या कहते हैं? हम उसको संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। चलिए आप सभी ध्यान से देखें, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उन बच्चों से भी निवेदन है कि आप इसे ध्यान से समझें, आपको बहुत फायदा होगा। तो इस तरह से संपाती, तो संपाती का मतलब संपाती ग्राफ कब होगा आप सभी बताए। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया है, लाइव क्लास में हैं आप लोग, आप बताइए कि संपाती का शर्त क्या है? इस तीन में से कौन सा शर्त? तीन नंबर ये वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों अगर बराबर हो जाए तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा पहला। अब चलते हैं, देखें यहाँ, देखिए ऑप्शन को देखिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 याद दिया। फिर डबल नॉट इक्वल टू, जब ये हो गया समझिए कि हमारे किसी भी शर्त में ये आ ही नहीं सकता, आगे बहुत तेजी में निकलेंगे। फिर आगे देखेंगे बी नंबर, a/d b/e c/f। आप कहिएगा सर हम तो ऐसा कभी पढ़े ही नहीं। तो चलिए इसको आगे देख लेते, और आगे यहाँ देखते हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। और यहाँ पर जो है इस स्थिति में ग्राफ क्या होता है? समांतर हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। लेकिन संपाती के लिए तीनों बराबर हो। अब देखिये 1, 2, 3 ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो रहा था, इसका मतलब यही आंसर होगा, अर्थात a1/a2 b1 शर्त नहीं लिखकर उसका a d b e c f मान लिख दिया, और तीनों बराबर है। आंसर इज ए बी राइट। ठीक है, ओके, इसी तरह से ध्यान से समझेंगे। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 33, संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। संगत समीकरण युग्म का डैश, याद रखिए संगत समीकरण युग्म का एक हल होता है सिर्फ,
क्योंकि कोई भी ग्राफ संगत दो परिस्थिति में होता है, एक ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू में, अद्वितीय हल होगा तो भी ग्राफ क्या होगा संगत, और अनेक हल होगा तो भी ग्राफ क्या होगा संगत, उस परिस्थिति में एक हल होंगे। आंसर नंबर सी इज राइट। आगे चलिए 34 नंबर, वह समीकरण जिसका कोई हल न हो, कोई हल नहीं हो तो डैश कहलाता। ऑप्शन देखिए, असंगत, अनेक हल, संगत और कोई नहीं। जिसका कोई हल नहीं हो वो इस शर्त पर आएगा ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू, और इसके लिए मैं बताया था अगले वीडियो में असंगत होगा। ग्राफ क्या होगा असंगत, देखिए असंगत ए नंबर में है। यस चलिए आगे, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि, बीजीय विधियां, बीजीय, देखिए रैखिक समीकरण को हम ग्राफीय विधि से भी हल करते हैं। बीजीय विधि में आपका क्या क्या आएगा, वज्रगुणन, आप सुने होंगे वज्रगुणन बनाए होंगे, वज्रगुणन ठीक है, वज्रगुणन विधि बनाए हैं। यस वज्रगुणन, उसके बाद आप क्या बनाए हैं प्रति स्थापन, प्रति स्थापन स्थापन, उसके बाद क्या बनाए हैं विलोपन, विलोपन, ये बीजीय विधियां हैं। कैसी विधियां हैं बीजीय विधियां, कितनी विधियां हो गया तीन, आंसर नंबर बी इज राइट। यस ठीक, समझ में आ गया होगा आप सबों को। यस चलिए अगला लेते हैं सवाल नंबर, अब लेंगे हम लोग 36, कहता है अद्वितीय हल वाला युगपथ रैखिक समीकरण डैश कहलाता। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब हो गया ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, अगर ऐसा आ जाए तो उसको क्या कहेंगे अद्वितीय। आप जरा सोचिए, अगर अद्वितीय यहाँ कह रहा है अद्वितीय हल वाला युगपथ रैखिक समीकरण डैश कहलाता, क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, अनेक हल कहलाएगा, संगत कहलाएगा या कोई हल। तो कोई हल नहीं करने के लिए तो यहाँ शर्त आ ही नहीं रहा है कि नहीं, चूंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया अद्वितीय, अद्वितीय के लिए ऐसा शर्त आएगा ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो ये जो मेरा है ये जो है ये डी नंबर तो होगा ही नहीं, संगत, संगत का मतलब अद्वितीय हल हो कह रहा है, क्या कह रहा है अद्वितीय हल, और पहला ऑप्शन है असंगत। ध्यान दीजिए, असंगत ग्राफ कब होता है, जब ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू, इस परिस्थिति में रहेगा, यानी जिसका कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ असंगत होगा। ये तो गलत है, लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर हमारा जो है 36 नंबर है ना। यस सर, आंसर हमारा दिया है बी, बी में कहता है अनेक हल, अनेक हल के लिए आप क्या जानते हैं तीनों क्या होना चाहिए बराबर। हमको तो यहाँ स्पष्ट कह दिया है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए हमारा ग्राफ क्या होगा संगत होगा, क्या होगा संगत, अनेक और उसके, तो अद्वितीय हल के लिए आंसर नंबर सी इज राइट। आपके बीवीडी में आंसर दिया है बी जो कि गलत है, ठीक है। यस अब आगे कह रहा है 37 में, असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल नहीं होता है, असंगत समीकरण के युग्म का दो अनेक एक कोई, तो जरा देखिए अगर असंगत हो जाए तो उसका क्या होता है कोई नहीं, कोई हल नहीं होता, उसका कोई हल नहीं, नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं हो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। समझ में आ गया, आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी इज राइट। अगला कहता है आश्रित समीकरण के युग्म का हल आश्रित कब होता है, जब जिसका अनेक हल होता है, जिसका अनेक हल होता है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर दो दिया है, अनेक दिया, एक दिया कोई, तो यहाँ क्या हो जाएगा अनेक, आंसर इज राइट। क्या नंबर सवाल है ये 38 नंबर है ना, 38 नंबर। बड़ी बारीकी से वीडियो को देखें आप लोग और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। 39 नंबर समीकरण युग्म एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर तथा 2x प्लस वाई बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण डैश सरल रेखा, तो अगर दो समीकरण है तो दो सरल रेखा होगा, लेकिन सरल रेखा का तरीका है या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा, या तो संपाती होगा, यही ना पढ़े हैं। yes. जरा देखिए ऑप्शन में दिया असमांतर, प्रतिच्छेदी दिया है क्या नहीं? नहीं, तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जांचेंगे इसको ए वन बटे ए टू पर, तो यहाँ एक्स का गुणांक नहीं कुछ तो क्या है वन, इसमें एक्स का गुणांक कितना है दो, बराबर का चिन्ह देंगे, इसमें एक्स का गुणांक क्या है दो, इसमें वाई का गुणांक नहीं कुछ तो क्या है एक, और इसमें सी के जगह क्या है चार, और डी के जगह ए सी टू के जगह कितना है 12। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक बटे दो, यहाँ दो बटे, क्या ये बराबर है नहीं, यहाँ कट जाएगा, यहाँ जब ये कटा तो ए वन बटे ए टू
आर नॉट इक्वल टू बी वन बट बी टू। आप जरा सा ध्यान दीजिए, बी वन इस परिस्थिति में हमारा जो ग्राफ होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ क्या होगा मेरा, प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी ऑप्शन में कहीं है नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, असमांतर। समांतर भी तो नहीं है, अनंत भी नहीं है, कोई भी नहीं, समांतर तो नहीं। समांतर अगर होगा तीनों ब्रांड प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी नहीं लिखकर क्या लिखा हुआ है, असमांतर। भाषा को चेंज किया हुआ है। तो इसी तरह आप लोग दिमाग लगाएंगे, प्रतिच्छेदी में असमांतर का मतलब है कि असमांतर प्रतिच्छेदी होगा क्या। तो इसलिए आंसर नंबर ए इज राइट। चलिए अब सवाल नंबर लेते हैं हम लोग 40। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 ठीक है संपाती होगा। क्या होगा संपाती। संपाती कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर तीनों अगर बराबर। तो इसलिए हम इस मान को x का गुणांक नहीं कुछ तो क्या होगा 1 और इस समीकरण का क्या हो जाएगा 2 और x का गुणांक y का गुणांक क्या हो जाएगा 2 और इसमें कितना हो जाएगा k और यहां पर क्या हो जाएगा c के जगह 7 7 और यहां पे कितना हो जाएगा 14। संपाती के लिए तीनों बराबर ही होगा। yes. हमको के का मान निकालना है। yes. तो चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से। के गुना वन के और दो दुना कितना बाबू 4। देखिए तो 4 है आंसर नंबर सी। yes. समझ में आया होगा। yes, sir. उसके बाद 41 नंबर में रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण ऐसा नहीं कहा कि दो रैखिक समीकरण तो दो रेखा होगा, उसके बाद कहता है 42 में युगपथ समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5। यस युगपथ समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 कोमा 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो निकाय सवाल नंबर 42 में क्या कर रहा है, युगपथ समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस, जब ये दो रैखिक समीकरण आ जाए और इस तरह का असंगत अनेक अद्वितीय, तो फटाक से आप उसको a1 बटे a2 में बैठाना शुरू कर दीजिए। yes. में तुरंत यहाँ देखिए a1 के जगह 2 हो जाएगा। yes. बटे a2 के जगह कितना four. फिर बराबर देंगे b1 के जगह कितना हो जाएगा 3। ये चीज हमेशा आपको याद कर लेना है। 6, 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना करना है 9। चलिए पहले कटा के देखते हैं क्या आता है, दुक्का दो दुना 4 4 तीन का तीन 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 दुना 6 ये कटेगा क्या नहीं, तो 1 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 1 बटे 2 और यहाँ 5 बाय 9 इसका मतलब कहाँ कटेगा यहाँ पे, ये दोनों तो बराबर हो गया। यस ये दोनों जब ये यहाँ पर कट गया समांतर, तो निकाय आपका क्या होगा समांतर, कोई हल नहीं होगा। यस क्या कोई हल नहीं, और ग्राफ क्या हो जाएगा असंगत, असंगत समांतर हल असंगत, हल क्या हो जाएगा असंगत, ग्राफ क्या हो जाएगा समांतर। तो हमको बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा आंसर इसका, असंगत, असंगत होगा। क्यों असंगत होगा, कि यहाँ पर अनेक हल, ऐसा तो इसके लिए शर्त आता नहीं है, अद्वितीय हल का ये शर्त होता ही नहीं है, नहीं। कोई नहीं है इसका शर्त, इसका लेकिन होता है ग्राफ असंगत का रहा, युग्म निकाय का ग्राफ असंगत, इसलिए आंसर नंबर ए इज राइट। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 43 लेंगे, है ना। 43 में कह रहा है ऐसे दो युगपथ समीकरण का निकाय जिसके जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, मान लिया जाए कि इधर से इसको काटा, ये बिंदु इस पार्ट के लिए भी और इस पार्ट के लिए, तो ये बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए, है कि नहीं। कोई त्रिभुज है मान लिया जाए कि इस पर एक रेखा है, ये उभयनिष्ठ रेखा कहलाएगा, इस त्रिभुज के लिए भी इस त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, उसी प्रकार उभयनिष्ठ बिंदु। अगर मान लीजिए संपाती जा रहा है तो ये आपका जो है कि एक ही रेखा पे जा रहा है, तो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा, इसमें भी कहलाएगा, लेकिन असंगत में कभी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। अब कह रहा है 44 में निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है, देखिए बड़ा बड़ा लग रहा है ना, अद्वितीय हल के लिए आपको क्या a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे, इसके मान को फटाफट लेंगे अभी हम लोग, ध्यान से देखिएगा इसको, x का गुणांक क्या है
वन, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, टू, फिर यहाँ पर y का गुणांक क्या हो जाएगा वन, वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू। जरा देखिए आगे नहीं लीजिएगा, अद्वितीय के लिए क्या यहाँ कटना चाहिए yes. लेकिन नहीं कट रहा है, दोनों बराबरी हो रहा है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं yes. कितना देर लगा, तुरंत हो गया yes. फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर x का मान वन हो जाएगा, बटे में इसमें कितना हो जाएगा थ्री, थ्री, और यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस थ्री। जरा सा ध्यान दीजिए, आगे जाना था हमको, लेकिन अद्वितीय कहा स्पष्ट रूप से, क्या कहा अद्वितीय, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों बराबर हो रहा है ना, जब ये बराबर हो रहा है तो अद्वितीय है ही नहीं, इसको भी इसका मतलब यह भी आंसर मेरा नहीं है, ऑप्शन से बनाएंगे इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर, यहाँ पर वाई का गुणांक कितना हो जाएगा वन, अब बटे कितना हो जाएगा माइनस टू, अब बराबर, फिर अब देखिए यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, ऊपर भी माइनस, हालांकि ये कटेगा देखिएगा, अभी दुकान दो दुना वन बाय टू, लेकिन ये माइनस में हो रहा है, किस में हो रहा है प्लस में, इसका मतलब यही कटेगा, और यहाँ जब ये कट गया तो ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा, अर्थात आंसर नंबर सी हो, यही हो गया, आगे जरूरत भी नहीं देखना, हमको एक ही आंसर देना है ना, इस चीज पर विशेष ध्यान देना, फॉलो करना है। आगे कहता है समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर टू, सिक्स एक्स माइनस टू वाई बराबर थ्री का कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का शर्त क्या, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू, ये शर्त हमें याद होनी चाहिए। तो देखिए, तो अब इस पर बैठाइए इसको, इसका मान को देखे कोई हल के लिए, और यहाँ के बराबर निकलना है, नॉट इक्वल टू वाला नहीं निकलना है, तो ए वन के जगह इसमें क्या आ जाएगा बाबू के, और ए टू के जगह क्या आ जाएगा सिक्स, बी वन के जगह क्या आ जाएगा माइनस वन, वाई का गुना नहीं कुछ तो माइनस वन, और बी टू की जगह क्या आ जाएगा माइनस टू, और यहाँ पर कटिंग हो जाएगा, चूंकि पहले कह दिया कोई हल नहीं होगा तो उसी तरह लिखेंगे, तो सी वन के जगह दो हो जाएगा और सी टू के जगह क्या हो जाएगा थ्री। हमको के बराबर, अगर के नॉट इक्वल टू निकालना होता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन बराबर है तो इधर से करेंगे, है ना, तो के गुना टू क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ टू के हो जाएगा, और छ गुना वन क्या हो जाएगा छ, और के बराबर छ बटे दो द्वितीय छ, चलिए तीन है के बराबर तीन कहीं, है ना, आंसर नंबर सी इज राइट, राइट ठीक yes. इसी तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए अब आप सबों के बीच एक सवाल है, 46 नंबर का, यदि x प्लस वाई सेवन, x प्लस वाई बराबर सेवन एवं 5x प्लस 12y यानी 5x प्लस 12y इक्वल टू सेवन, तो x का मान, किसका मान निकालना, देखिए आप लोग कितना भाड़ा लगता होगा कि इसको विलोपन प्रतिस्थापन से निकालना होगा x का मान, बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे मान क्या रहा है इसमें, देखिए बाबू मांग रहा है x प्लस वाई बराबर सेवन, x का मान किसका मान मांग रहा है, x का। आप दो रैखिक समीकरण हल करने के लिए बीजगणितीय विधि विलोपन समझे हैं, वज्रगुणन और क्या समझे, अगर विलोपन से बनाते दोनों समीकरण को पहले लिखेंगे, कितना फास्ट लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा सेवन, इधर क्या हो जाएगा फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई बराबर क्या हो गया सेवन। अब देखिए हमको किसका मान मांग रहा है बाबू, एक्स का, एक्स का, तो वाई को कटाएंगे, यहीं पर तुरंत तुरंत एक्स का मान पुट हो जाएगा, कि नहीं ऑब्जेक्टिव बना रहे, तो वाई को कटाएंगे, तो इसको गुना विलोपन विधि में क्या कहते हैं, समीकरण को बारह से कर दीजिए, इसको किससे करना होगा एक से, जब ये इसको गुना कीजिएगा बारह से, तो बारह गुना एक्स कितना हो जाएगा बारह एक्स, अब प्लस अब बारह गुना वाई कितना हो जाएगा बारह वाई, अब बारह और बारह सत्तर कितना हो जाएगा चौरासी, है ना, एक से कीजिएगा तो वही हो जाएगा पाँच एक्स प्लस बारह वाई बराबर कितना हो जाएगा सात। देखिए चिन्ह समान रहे तो घटाने पर, चिन्ह समान रहे तो घटाने पर, यहाँ चिन्ह नीचे माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी क्या करेंगे, ये दोनों वाई तो कट गया, एक्स का मान के लिए बारह में पाँच जाएगा कितना बचेगा सेवन एक्स, सेवन एक्स सात एक्स, इस पार में चौरासी में सात चला जाएगा तो कितना बचेगा सतहत्तर, सतहत्तर बचेगा, सतहत्तर एक्स बराबर कितना हो जाएगा सतहत्तर बटे सात, ग्यारह सत्तर, एक्स का मान कितना निकल रहा है ग्यारह, चलिए खोजिए यहाँ नौ है, यहाँ क्या है ग्यारह, ग्यारह है ना एक्स का मान, और आंसर में क्या दिया हुआ है कोई नहीं, कोई नहीं, तो गलत दिया हुआ है, आंसर नंबर बी इज राइट, हमारा मान एक्स का निकल गया, हमको कहा भी है कि यदि एक्स प्लस वाई बराबर इतना इतना तो एक्स का मान ज्ञात करिए, विलोपन विधि से हल किया, एक्स का मान मेरा निकल गया इधर, ठीक है यस, चलिए समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसलिए बीबीडी गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव बनाते समय बिना सॉल्यूशन किए
बिना उसको सही तरह से जांचे आप उसको रटने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मार खा जाएंगे, चाहे वो सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, आप जहां भी पढ़ते हो आप अपने गुरुजी से उसको सही करवा लें। आप मैथ का तो मैं कर ही देता हूं, मैथ में आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। मैं बीबीडी गैस पे पढ़ के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को हल करूंगा। अब तक मैं ये दो चार वाला का आज लास्ट है, 50 नंबर तक, इसके आगे तो आगे चले। जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के हल संपाती, संपाती का तका दिया अनंत, एक दो कोई बताइए तो क्या होगा भाई? अनंत। संपाती के लिए आपका क्या हो जाएगा? अनंत होगा आंसर। ये अब तक आप बनाए हैं, अगर सही से हमारे सारे वीडियो को देखें आपको हमारे इंट्रोडक्शन की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है? अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू। चला चलिए तो के हो जाएगा, यहाँ ए टू का जगह क्या हो जाएगा? छे, है ना? ऐसे ही रखिएगा आप ऑब्जेक्टिव बनाना, ज्यादा समझ लेना। और यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा वाई का मान, वाई का गुणांक, और वाई का यहाँ क्या? माइनस टू। चलिए हमको यही ना दिखाना है, अद्वितीय का हाथ यहाँ काट देंगे, आगे लेने की जरूरत भी नहीं है। तो इधर से को जब इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। टू को वन से तो टू के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिक्स। ये गुनाम जाएगा तो तीन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर कट करके सॉरी दो होगा ना, दो तीन छः तीन, नॉट इक्वल टू मिल आएगा, क्या आएगा? नॉट इक्वल टू थ्री। देखिए यहाँ पर दिया जीरो नॉट इक्वल टू थ्री, आंसर नंबर डी इज ठीक है। अब आगे मेरे पास है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? अनंत हल का मतलब हो गया, अब समीकरण दिया है 2x, तो अनंत हल जब ये कहा तो सभी बराबर होंगे, सभी बराबर होंगे। yes. तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए दिखाई देता होगा आपको 2 बाय इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बाय कितना हो जाएगा? के। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीक वन के जगह 5 बाय क्या हो जाएगा? 10। तो कहा है के तो चाहिदा से जब ये अनंत कह दे, यानी किसी मान के लिए संपूर्ण अनंत हल कह दे, तो समझिए बीच के कहीं रहे उसको एक दूसरे, तो के टू के गुना अगर इधर से की जाए, इधर से भी कर सकते हैं, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका 2k बराबर 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो के बराबर हो जाएगा 12 बटे 2 6 12, यानी के बराबर क्या होना चाहिए? 6। आंसर नंबर बी इज राइट। समझ गए? अब एक सवाल है आपका 50, पी के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल? ये देखना है कोई हल नहीं, अनेक हल या अनंत हल, अद्वितीय हल, इसी शर्त को याद रखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारा ऑब्जेक्टिव आपका हल होगा, चाहे इसके जगह कोई भी सवाल एग्जाम में दे दे, आप घबराना नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रूल्स याद रखनी है। तो यहाँ देखिए एक के जगह 5 x का गुणांक 5, a2 के जगह क्या हो जाएगा बाबा? 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? p, b2 के जगह p, b1 के जगह, b2 के जगह क्या होगा? 2। और c1 के जगह क्या होगा? 7। c2 के जगह क्या हो जाएगा? -3। हमको क्या कहा है बाबू? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए शर्त कहाँ कटेगा जरा बता दीजिए, कहाँ कटेगा? यहाँ की यहाँ यहाँ कटेगा, है ना? नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो अब हमको यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोनों को बराबर करेंगे तो पी का मान इधर से निकालेंगे ना कि इधर से, नॉट इक्वल टू ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो इधर बराबर वाला है, तो इसको पी गुना वन क्या हो जाएगा? पी या 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। पी का मान कितना निकला? 10 के नंबर में सर इज राइट। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। और देखिए किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चीज आप तैयार करते हैं उसके लिए गुडविल सर्किल बनानी होगी, और आप जितना अपने आप को परफॉर्मेंस में रखेंगे, जितना अच्छे बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करेंगे, आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती बिहार बोर्ड में। सिर्फ विद्यार्थी चाहिए जीनियस, और जीनियस क्या, आप अपने माइंड को फॉलो करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनती बनेंगे। एक भूगोल छात्र जो है वो अगर अधिक मेहनत करे तो निश्चित रूप से तेज छात्र को भी पटक देगा। आप कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होंगे, कछुआ धीमी गति में चलने वाला था और खरगोश क्या है, तेज गति में, दोनों ने बाजी लगाया, खरगोश कहा हम तुमसे पहले नदी पार कर जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे गंतव्य स्थान तक। तब कछुआ कहता हम तुमसे पहुंचे, खरगोश हंसने लगा, कहा क्या संस्कृत में कहा, तुम तो स्नेह स्नेह गच्छसि, तुम तो धीरे धीरे चलते हो कि नहीं,
तो जो है कि कहा ठीक है काम करो, बाजी लगाया, खरगोश तेज गति में दौड़ा कि नहीं, जाकर के जब थक गया तो गाछ के नीचे आराम करने लगा, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश को देखा रास्ते में सोया हुआ, देख कर मुस्कुराया और चलते रहा। जब अचानक खरगोश का नींद टूटा तो सोचा अरे हम तो यहाँ सो गए थे, जैसे ही वहां जाता है तब तक देखा कछुआ पहले, तो कछुआ जीत गया, मंद गति से चलने वाला जीत गया, क्यों, को निरंतर प्रयास करता रहा। इसलिए आप सभी अपने आप को ये नहीं समझे कि हमारा बुद्धि तेज नहीं है, हम तो कमजोर हैं इसलिए नहीं समझ पाते, कुछ नहीं, आप जहन में बैठा लिया, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, सेरिब्रम में डाल लीजिए कि हमको पास करना है और अच्छे डिवीजन से, इसके लिए हम मेहनत करेंगे, जो तेज है वो एक बार पढ़ेगा, आप 10 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।